महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार किए गए हैं। सौरभ को ईडी द्वारा दुबई से भारत लाने के प्रयास पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि पहले लगता था कि ईडी कार्रवाई कर रही है तो सजा भी मिलेगी, लेकिन अब लोगों की गिरफ्तारियां होती है, वे कई दिनों तक जेल में रहते हैं, उसके बाद कोई नए तथ्य सामने नहीं आते जिससे सजा हो पाए। उन्होंने कहा कि सट्टा तो अब भी चल रहा है, नाम बदल गया होगा। ईडी द्वारा तथ्यात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से ऐसी उच्चतम एजेंसियों पर जनता का विश्वास कम होता जाता है। व्यक्तिगत मेरी रुचि ईडी की कार्रवाई में बहुत कम हो गई, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि ईडी कार्रवाई कर रही है तो सजा भी मिलेगी। अब तो न्यूज में आने के अलावा मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं रह गया, और लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, दिनों दिन तक वो हिरासत में रहते हैं, नए तथ्य या कोई ऐसे तथ्य आ नहीं पाते कि उनको सजा दी जाए, उनको सजा मिल गई हो ये नहीं सुनते, तो मुझे रुचि बहुत कम हो गई है। ये सौरभ चंद्राकर का नाम सुन रहे हैं कि आया है कि उनको यूएई से दुबई से रेड कॉर्नर अलर्ट था इत्यादि, वो हाउस अरेस्ट में रखे गए थे पिछले साल के अंतिम महीनों में, और अब देश आने की बात हो रही है, लेकिन होता वही है, गिरफ्तार करिए, फिर जेल में है महीनों महीने, साल से ज़्यादा, सालों साल व्यक्ति लोग जेल में है और बात आगे नहीं बढ़ती। तो जब तक ईडी देश के नागरिकों का विश्वास इस बाबत हासिल नहीं करती कि जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर इतने दिनों तक बंदी बना के रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अगर स्थिति में नहीं है तो उनकी विश्वसनीयता दिन पे दिन गिरती चली जाएगी। वो सिर्फ सनसनी न्यूज में आने के लिए, न्यूज मेकर के रूप में ईडी अब रह गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्स करके कानून को सजा दे रहा है, ये उनकी छवि बिल्कुल नहीं बनी है। किसी केस में सजा दिलाई हो उन्हें तो ये तो फिर आपने कार्रवाई की, कभी किसी को बंद कर दिया, अखबार में छप गया और चल रहा है नाम, प्रक्रिया ही सजा हो गई है। अब तो ये आम जुबान पे लोगों के आ गया है कि प्रक्रिया सजा बन गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक अब बीच में आ रहा है, कह रहा है कैसे कैसे आप लोगों को बंदी बना के रख सकते हैं, कोई आप सबूत नहीं पेश कर पाते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यही मामला है सट्टा वाला महादेव के नाम से जो प्रसारित हुआ था, अभी भी चल रहे हैं सट्टे, नाम बदल गया होगा, अभी भी लोग बताते हैं कि सट्टा चल ही रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें? कुछ होता नहीं, निराशा ही होती है। विश्वास ऐसी उच्चतम एजेंसियों की कारगरता पे विश्वास कम होता जाता है।